कैसे हैं आप सब लोग। द कॉपर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तोशिबा मशीन के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है 3518A। इसमें हम फॉर्मवेयर को कैसे अपडेट करते हैं, इस वीडियो में हम आपको वो अपडेट करके दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। तो यहाँ में हम सबसे पहले मशीन में पेन ड्राइव को लगाएंगे, और पेन ड्राइव लगाने के बाद आपका जो HS मोड है, होम और स्टार्ट बटन को दबा के रखेंगे प्रेस करके, और उसके बाद मशीन को हम ऑन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ में मशीन को ऑन करते हैं और बटन को दबा के रखे हैं। तो यहाँ में हमने बटन को दबा के रखा है, ये देखिए मशीन ऑन हो गया है, और अभी तक हमने होल्ड करके रखा है होम बटन को और आपका स्टार्ट बटन को। तो यहाँ में देखिए HS मोड ओपन हो गया है, और यहाँ में उसको HS मोड को एक्सेस करने के लिए यहाँ में आपको पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको यहाँ में क्या करना, पासवर्ड को टाइप करना रहेगा #10048 #, और यहाँ में इसको ओके करना है। और यहाँ में देखेंगे ऑप्शन खुल गया मेन्यू, और यहाँ में 49 पे जो ऑप्शन है वहाँ में जाना फॉर्मवेयर अपडेट का, और यहाँ में ऑप्शन आएगा नॉर्मल अपडेटिंग, उसके बाद यहाँ में स्टार्ट कर देना। और यहाँ में अपने आप से आपका जो मॉडल नंबर है सारा वो अपने आप से दिखाने लगेगा, क्या क्या हमें फॉर्मवेयर अपडेट करना है, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर लीजिए। तो यहाँ में हमने ऑल सेलेक्ट कर दिया है, और यहाँ में देखिए इंस्टॉल वर्ज़न और अपडेट वर्ज़न, यहाँ में दो अलग अलग वर्ज़न रहेगा, जो कि एक पहले से जो अपडेटेड वर्ज़न है वो ओल्ड वर्ज़न, और अपडेट वाले में न्यू वर्ज़न रहेगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक बार अपडेट कर दिया है, तो दोनों में लेटेस्ट वर्ज़न ही दिखाएगा, दोनों में सेम वर्ज़न ही है। तो आप में ऐसा दिखेगा तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, आप में एक ओल्ड वर्ज़न दिखेगा और आप में एक न्यू वर्ज़न दिखेगा, तो उसमें कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए ओके कर देंगे। और यहाँ पे देखिए अपडेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, आपका सिस्टम फॉर्मवेयर OS डाटा और सिस्टम सॉफ्टवेयर HDD डाटा और इंजन फॉर्मवेयर और आपका स्कैनर फॉर्मवेयर और NIC फॉर्मवेयर, आपका ये 5 स्टेप है, ये आपका एक एक करके कंप्लीट होएगा। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन जो OS डाटा वो कंप्लीट हो गया है, NIC फॉर्मवेयर वो भी कंप्लीट हो गया है, और आपका HDD डाटा और इंजन फॉर्मवेयर और स्कैनर फॉर्मवेयर ये भी तीनों कंप्लीट होने में बाकी है। तो यहाँ में हम ये देखेंगे, अभी हम ये जो फॉर्मवेयर अपडेट कर रहे हैं, एक्चुअली इसमें मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे हम मशीन को ऑन कर रहे हैं तो ऑन करने से ये आपका आता है, डिस्प्ले आएगा, और उसके बाद ये कुछ देर बाद अपने आप से फिर बंद हो जाएगा। उसमें ऑप्शन दिखाता है 1 से लेके आपको 9 तक कंप्लीट करना रहेगा, 2 पे क्या होता करके 2 नंबर पे उसी पे रुक जाता था, जो कि आगे प्रोसेस नहीं बढ़ पाता था, ऑन ऑफ होता था बार बार। तो इसलिए हमने इसमें फॉर्मवेयर को एक बार अपडेट करके चेक किया है। आप में भी ऐसा, अगर आपको भी ऐसा मिलता है कि मशीन को ऑन करते हैं बंद हो जाता है, ऑन करते हैं बंद हो जाता है, तो प्लीज़ आप एक बार फर्स्ट टाइम फॉर्मवेयर को अपडेट कर लीजिए। उसके बाद अगर फिर भी कंटिन्यू सेम इशू आता है तो आप एक बार हार्ड डिस्क वगैरह एक बार कनेक्टर वगैरह निकाल के चेक कर लीजिए, और उसके बाद आप या तो रैम वगैरह एक बार क्लीन करके चेक कर लीजिए। अगर फिर भी ऐसा सेम प्रॉब्लम आता है तो आप एक बार हार्ड डिस्क को चेंज कर दीजिए, और हार्ड डिस्क का वो चेंज करे टाइम में आप एक बार सर्विस मैनुअल को फॉलो कर लीजिए, उसमें हार्ड डिस्क को कैसे रिप्लेस करते कैसे चेंज करते उसमें प्रॉपर बताया गया है, तो एक बार मैनुअल को ज़रूर फॉलो करें। और यहाँ में देखिए सारा डाटा कंप्लीट हो गया है, बस ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर HDD डाटा बाकी है, और यहाँ में ये भी अभी कंप्लीट होने ही वाला है। तो यहाँ में देखिए कंप्लीट हो गया है, और यहाँ में ऑप्शन दिखा रहा है ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पे अपने आप जैसा क्लिक करेंगे मशीन तो यहाँ पे अपने आप से ऑन होएगा ऑफ होएगा, और उसके बाद हम पेन ड्राइव को निकाल देंगे यहाँ में। और देखिए यही है, बूटिंग का इशू था, जैसा कि हम ऑन करेंगे यहाँ पे 2
पॉइंट दिखा रहा है कोने में 9 2 9 स्लैश करके दिखा रहा है, तो यहाँ में इसी पे अपने आप ऑन ऑफ होता था करके, आगे कंटिन्यू प्रोसेस नहीं जा रहा था। तो हमने इस प्रॉब्लम के लिए हमने इसमें फॉर्मवेयर को अपडेट किया है। तो अभी देखते हैं होता है कि नहीं होता। अभी तो यहाँ से आगे गया है, 2 पॉइंट बढ़ गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पे जुड़े रहिएगा। यहाँ पे देखिए 6% तक गया है यहाँ में। थोड़ा वेट कर लीजिए अभी। अभी देखिए यहाँ में 7% दिखा रहा है। एक्चुअली ये इतना लेट होता नहीं है, अभी फॉर्मवेयर अपडेट किया ना, तो अभी आप क्या करेंगे, ये जितना भी एप्स वगैरह है, एप्लीकेशन वगैरह है इसमें, वो उसको थोड़ा लोड लेने में वो थोड़ा टाइम लग रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। एक बार हो जाने से ये आपका हमेशा कंटिन्यू, जितना बार ऑफ करेंगे ऑन करेंगे वो आपका बराबर ऑन होएगा ऑफ होएगा। और अभी जब नया नया अपडेट करते हैं ना, वो थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। तो स्लो चल रहा है इसका, ये कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ में दिखा रहा है ना, एप्लीकेशन इज अपडेटिंग, डू नॉट टर्न ऑफ दिस द पावर, वेट ए मोमेंट। आप थोड़ा वेट कर लीजिए और भी थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में प्रिपेयरिंग हो रहा है ना, प्रिपेयरिंग में थोड़ा फर्स्ट टाइम बूटिंग में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा टाइम लगता है कोई भी चीज़ में। अभी देखिए यहाँ से फिर से एक बार मशीन रिबूट होएगा, ये देखिए सेकंड बार रिबूट हो रहा है, 2 3 4 5 6 और यहाँ पे अभी थोड़ा ये 9% तक जाएगा, उसके बाद ये आपका डिस्प्ले प्रॉपर स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ में देखिए 7% तक गया है, 7 8 और आपका ये लास्ट बचा है, ये आपका 9% तक, ये आपका यहाँ पे देखिए अभी ये मशीन यहाँ में ऑन हो जाएगा अभी। और यहाँ पे देखेंगे पहले जो प्रॉब्लम आता था वो प्रॉब्लम एकदम सॉर्ट आउट हो गया है, बूटिंग का प्रॉब्लम था, अभी एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे देखिए अभी बराबर मशीन चलेगा, ये देखिए यहाँ में होम स्क्रीन ओपन हो गया। पहले क्या था, ऑन करने से ऑन नहीं होता था, बूटिंग पे ऑन ऑफ होता था करके, अभी ये प्रॉपर मशीन चल रहा है। एक बार काउंटर निकाल के चेक कर लेंगे जो इस जगह स्टेटस पेज है टोटल प्रिंट काउंटर का, वो देखिए यहाँ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।